सदस्यता अभियान जोरों पर चल रहा है। जो हमने टारगेट लिया था 4-4.5 लाख लोग पार्टी से ऑलरेडी मेंबरशिप ड्राइव में जुड़ चुके हैं, और ये इसीलिए है कि दुष्यंत चौटाला जी जो हमारे पार्टी के चेहरा हैं, उन पर हरियाणा की जनता का एक अटूट विश्वास है। हरियाणा के बुजुर्ग उन्हें प्यार दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, माताएं बहनें अपना दुलार दे रही हैं, नौजवान उनके हाथ मजबूत कर रहे हैं और उनमें भविष्य का एक नेता देखते हैं। इसीलिए लोग विशेष तौर पर युवा ये सोचते हैं कि इस पार्टी से हम जुड़ें, इस नेता से हम जुड़ें जिसके साथ अगले 30-35-40 साल का हमारा सफ़र हो, और इसीलिए ये एक हिस्टोरिकल मूवमेंट ड्राइव जिसके लिए मैं पार्टी के सभी जिम्मेवार लोगों को जिन्होंने ये पूरा किया उनको बधाई दूंगा, और 25 तारीख तक जो बढ़ाया गया उसमें और लोगों को भी जुटे। इसके अलावा निकाय चुनाव आने वाले हैं, हम अभी तक बीजेपी के साथ मिलकर के लड़े हैं। निश्चित तौर पर जब 2.5 सालों में मिलकर के लड़े हैं तो आगे भी मिलकर के मजबूती से लड़ेंगे। हम गठबंधन में हैं और गठबंधन अटूट है। कांग्रेस का बिखरा हुआ परिवार अब कोई नहीं जोड़ सकता। एक बात कही जाती है कि परिवार का मुखिया जब लास्ट में सबको बिठा करके समझाए और उसके बाद भी बर्तन बजे तो समझ लीजिए कि वो बेड़ा गर्क होना है। कांग्रेस का अंत हरियाणा में जैसे देश में वैसे हरियाणा प्रांत में भी तय है। राहुल गांधी की मीटिंग के बाद भी इनका अलग थलग रहना, शैलजा जी का इस्तीफा दे देना, SCs का अपमान होना, ये सारी चीज़ें दिखा रही हैं कि भूपेंद्र हुड्डा का जो लोभ है, जो लालच है अपने बेटे को लेकर बार बार, अब वो कांग्रेस के भी काम नहीं आ रहा और उनके लिए भी बर्बादी का सबब बन रहा है। हम IOA के प्रेसिडेंट बत्रा साहब से इस विषय में मिलेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो कॉमनवेल्थ एसोसिएशन या जो भी उनकी अथॉरिटी है उनसे बातचीत करें, क्योंकि ये हरियाणा के लिए, देश के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है। मैं आज अपनी पार्टी की तरफ से सभी से अपील करता हूँ कि सद्भाव में रहना है, एक दूसरे का सम्मान कर करके रहना है। जो मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, राजस्थान के विभिन्न इलाकों से खबरें आ रही हैं उसकी हम निंदा करते हैं। कहीं भी कोई गलत कार्रवाई किसी पर ना हो, सब मिलजुल करके रहें। हरियाणा में कम से कम हम ऐसा नहीं होने देंगे, ये मैं सभी को विश्वास दे रहा हूँ।